हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोनिया तुम हो क्या? सोनिया यार फिर से गई लाइट। इतनी रात को कौन आया? कौन है वहां? सोनिया यहां तो कोई भी नहीं है। यहां कोई नहीं है तो दरवाजा किसने खोला? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। दोस्तों हमारे रूम का भी यही हाल है। बेडशीट में से स्मेल आ रही है, ब्लैंकेट में से स्मेल आ रही है।
आई मीन ये हो क्या रहा है? बस एक ही रास्ता है, हमें यहां से कहीं और जाना होगा। मैडम आपके जो मन में आए आप कीजिए, आप अपनी मर्जी की मालकिन है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां से दूसरा होटल 25 किलोमीटर दूर है। अब आप जाना चाहती हैं तो जाइए, बताइए क्या करना चाहती हैं आप? हैं? मुझे एक कमरा चाहिए। जी? आज रात के लिए। और यहां आसपास कोई कार मैकेनिक है? मेरी गाड़ी बाहर खराब हो। हाँ भाई साहब, यह सब कुछ मिलेगा आपको, पर पहले मैं इनकी प्रॉब्लम सुलटा दूं फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी कहिए मैडम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा मॉडल यहाँ से कितना दूर है, लेकिन मैं यहाँ पर अब एक मिनट भी नहीं रुक सकती। सिद्धार्थ चलो यहाँ से। कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता, वो आगे ब्रिज टूट चुका है। ब्रिज टूट गया? जी। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है और सारा ट्रैफिक जाम है और कोई मूवमेंट नहीं है। भाई साहब प्लीज एक रूम दीजिए मुझे। हाँ कमरा तो बिल्कुल मिलेगा, कमरे के लिए बैठे हम यहाँ, पर पहले यहाँ पैसे की बात कर ले, रेट फिक्स कर ले। अरे भाई साहब पैसा वैसा जितना भी है आप प्लीज मुझे रूम दीजिए, मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप सबके पास भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है? प्लीज कैन आई हैव द कीज? 1,500 रुपये एडवांस दे दीजिए। हाँ भाई जी, अब वो हाईवे के पास से एक मोटेल था तो वहाँ पे चेक इन कर लिया है। हाँ वो मैकेनिक कल सुबह आ जाएगा तो उसके बाद गाड़ी लेके मैं पहुँचता हूँ, ठीक है? हाँ आने के बाद फोन करता हूँ। क्या हुआ ये चिकनी? क्या हुआ इसे? ये तो मर चुकी है। कैसे कैसे हुआ ये? हाँ देख काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और जब अंजलि ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने की से डर दरवाजा खोल दिया और देखा तो वो यहाँ इस हालत में पड़ी थी। क्या हो गया भाई, क्या हुआ यहाँ? क्या अरे ये क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? ने कौन हुआ यार? हाँ आप ये क्या कर रहे हैं? चाकू मारा ऐसे? राज मुझे बहुत डर लग रहा है, किसने मारा होगा इसे? पता नहीं आदिति, आज का दिन ही खराब है। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई अंदर आके कैसे खून कर सकता है? हो सकता है ये खूनी को जानती हो और इसी ने खूनी के लिए दरवाजा खोला। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम में से किसी ने उसका खून किया? हो सकता है, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी शक के दायरे में है। ये क्या बात हुई? मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, तो मैं क्यों फंसूंगा शक के दायरे में, बताइए आप? मैं भी नहीं जानता इसे। कौन? आपके मोटेल में इन लोगों के अलावा और भी गेस्ट हैं? नहीं नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग खूनी हैं? मतलब इतनी बारिश हो रही है, इतना अंधेरा है बाहर, कोई भी बाहर से आ सकता है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनका खून किसने किया। यहाँ पे खून हुआ है और चाकू मिल नहीं रहा है। मुझे आप सबके कमरे की तलाशी लेनी होगी। तुम क्यों लोगे तलाशी? ये तुम हो तो होते कौन है तलाशी लेने वाले? ये क्या लगा रखा है? मैं इंस्पेक्टर दया CID से। आप सबके कमरे की चाबी दीजिए, मुझे तलाशी लेनी है। चलिए कमरे की चाबी, कमरे की चाबी।
चाबी। जी लगता है मेरी चाबी कहीं गिर गई। चाबी गिर गई? इनके कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना आपके पास? जी जी बिल्कुल सर। यहाँ पे एक लड़की का खून हुआ है और खूनी आप सब में से कोई भी हो सकता है या कोई बाहर वाला भी हो सकता है, इसलिए आप सब एक कमरे में रुकेंगे। और हाँ, आप अपना नाम, फोन नंबर और घर का एड्रेस मुझे दीजिए जल्दी। होटल में एक लड़की का खून हुआ है कमरे में, हाँ पता नहीं कौन है। अच्छा यहाँ पे जितने गेस्ट हैं उनके नाम नंबर और एड्रेस में तुम्हें एसएमएस करता हूँ, जरा पता लगाओ इसमें से कौन पुराना पापी है, कुंडली निकालो इन सबकी। अरे यार क्या मुसीबत है, करे कोई भरे कोई। अरे हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं फिर भी यहाँ बिठा दिया सबको। सुना नहीं क्या कहा सीआईडी ऑफिसर ने, उसे हम सब पर शक है, किसी को नहीं जाने देगा यहाँ से। वो मेरी गर्लफ्रेंड का खून हुआ है, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ये खरोच कहाँ से आई तुम्हारे है? तुमसे मतलब कौन हो तुम? सीआईडी हो, पुलिस वाले हो, जो पूछताछ करोगे और मैं इन्हें जवाब दे दूंगा। क्यों नहीं बताओगे यार, क्यों नहीं बताओगे? मेरी गर्लफ्रेंड का जब खून हुआ तब तुम अपने रूम पे थे ना? फालतू बात मत कर, ना जान ना पहचान, ना लेना ना देना, मैं क्यों मारूंगा उस लड़की को? एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, इन दोस्तों के बीच का लफड़ा है, इनके बीच में कोई अनबन हुई होगी और दुश्मनी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई ना, एक ने किसी को टपका दिया। सही बात, सही कहा तुमने राकेश, यही हुआ होगा। अबे क्या बोला तू? क्या बोला तू? क्या दिमाग तो ठीक है तेरा? अंजलि हमारी दोस्त थी, समझा तू? अब एक और अल्फाज बोला ना तूने, यहीं पे मारूंगा तुझे। अरे जा रहे, तेरे हाथ काट के दिखाना। यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाएगी। बैठना यहाँ पर, प्रॉब्लम कब है जो आप लोग और बढ़ा रहे हो? प्लीज बैठो यार, बैठो। आया मैं यहां पर नहीं रुक सकती, मैं यहां से जाना चाहती हूं। दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं, हम सब कहीं नहीं जा सकते, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। किसी खूनी के साथ बैठने से तो अच्छा है कि हम अपनी कार में जाके पूरी रात गोल गोल चक्कर काटे, पता नहीं कोई भी हमें चाकू मार के हमारी जान ले सकता है। कोई नहीं जाएगा, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कोई तुम्हारे रिसेप्शन के ड्रावर से वो चाबियां कैसे गायब कर सकता है। सर सर इस बात पर तो मैं खुद हैरान हूँ, ये किसने किया, कब किया, मुझे कुछ नहीं पता है सर। अच्छा सर, सर सर आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं सर, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने किया, मैंने ही खून नहीं किया है? शक के दायरे में तो आप सभी है। लेकिन सर मैंने ये नहीं किया सर। सर एक बात और समझ में नहीं आ रही है मुझे, ये जिसने भी किया है उसने ये सारे आइडेंटिटी कार्ड्स क्यों चुरा लिए? तुम्हारे होटल में जितने गेस्ट हैं उन सब के फोटोग्राफ्स लेने होंगे मुझे। जी लेकिन सर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, आप किसी को भेज तो सकेंगे नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं है यहाँ। ये गाड़ी किसकी? ए! ए! रुक जा! ये गाड़ी में कौन भागा? बाकी के लोग? सर मैं तो आपके साथ था, मुझे क्या पता। तुम लोगों से कहा था ना सब एक साथ एक कमरे में रहना,
कौन क्या उस गाड़ी में? सर सिद्धार्थ और सोनिया, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुके नहीं। वो एक बात समझ लो, वो खूनी बहुत खतरनाक है। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। ये गाड़ी किसकी है? जी मेरी है। चाबी तो, चाबी तो ढूंढ। सर आप मेरी गाड़ी ले जाइए, ये रहे। ठीक है, और हाँ तुम लोग सब एक साथ एक कमरे में रहना, कोई भी भागने की कोशिश नहीं करेगा। कहाँ चले गए ये दोनों, सिद्धार्थ और सोनिया? ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते, आगे रास्ता बंद है। अब जीत को फोन करता हूं। नेटवर्क तो है नहीं। ये क्या ब्रेक फेल हो गया? खूनी से बचने के लिए हम लोगों के पास कोई हथियार भी होना चाहिए। चुप करो, तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, हथियार है यहाँ पर। हथियार यहाँ मेरे मोटल में? हम लोग जब आए थे तो मैंने रिसेप्शन पर एक हॉकी स्टिक देखी थी। हॉकी स्टिक और हथियार? इस समय हमारे लिए वही काफी है। मैं लेकर आता हूँ उसे। राज, राज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरे यार यहाँ पर ये सब है तो तुम्हारे पास? हाँ मैं आता हूँ। हम लोग है ना यहाँ, हम इनके साथ है। थैंक यू, मैं आता हूँ अभी। बैठेंगी आप? नो थैंक्स। मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मैं लेंसेस पहनी हुई है और बारिश की वजह से खराब हो गई है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ गाड़ी की चाबी लेने के लिए, गाड़ी में दूसरी लेंसेस पड़ी है। जा सकता हूँ? जा सकता हूँ? ना जा, जा ख्याल रखना अपना, जाओ भैया। क्यों वो इतना बड़ा करो भैया? अरे चीज तुझसे पूछनी पड़ेगी अभी मुझे। जाओ ना यार, ये आदमी मुझे साइको लगता है। ये आवाज़ तो उधर से आई है ना? देखो देखना तो पड़ेगा, ऐसे हाथ में हाथ रखकर कब तक बैठे रहेंगे? देखना तो पड़ेगा ना, तू चल मेरे साथ। मैं क्यों? हाँ हाँ जाओ, तुम दोनों साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये खूनी बहुत खतरनाक है, जाइए जाइए। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आप ठीक है ना? मेरे सर में थोड़ा दर्द है। मैं दबा दूं? मैं रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। नहीं नहीं, आप 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 सुनिए मैडम, रूम में अकेली हो जाएंगी।
क्या हो गया? तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, तुम लोगों से बोला था ना एक साथ रहना, समझ में नहीं है? सर, हम लोगों ने बड़ी अजीब सी आवाज सुनी, हम तो ये देखने चले गए थे कि आवाज आ कहाँ से रही है। सर, उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में गया था अपनी दूसरी कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने के लिए। बारिश की वजह से ये जो मैंने पहनी हुई उससे सही नहीं दिख रहा था। और तुम? सर, मैं विनय जी के साथ गया था। सर, सबके पास कोई ना कोई बहाना है, अब वहाँ क्यों गए? राज की ओकी स्टिक लेने गया था, वहाँ रिसेप्शन के पास पड़ी थी, वो उसने कहा था खूनी से लड़ने के लिए काम में आएगी, और जब बड़ी देर होगी तो वो आया नहीं, तो फिर हमने सोचा कि मैंने सोचा कि मैं आके देखता हूँ, तो आया, देखा तो मरा पड़ा था। अब मुझे यकीन हो गया कि खूनी इन्हीं में से कोई है। कौन खूनी? हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था सर, उसके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं सर। सिद्धार्थ, खूनी ने सभी के कार के ब्रेक्स नाकाम कर दिए थे, वो सबको मारना चाहता है। सांसें चल रही इसकी, लगता है ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। मैं कुछ लेकर आता हूँ। इसके खून को रोकना होगा, जल्दी। ये डॉक्टर या एम्बुलेंस को यहाँ पे ले आने का कोई इंतजाम है? अभी इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता सर। ये रास्ता खुलते हम इसे अस्पताल ले जाएंगे, तब तक इसे अंदर किसी कमरे में लेटा दो, और आप लोग भी साथ में रहना। जी, मैं दया बोल रहा हूँ, मैं यहाँ होटल के रिसेप्शन के लैंडलाइन से बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, मगर एक और खून हो गया है, राज नाम है उस आदमी का, और यहाँ पे जितने लोग जिंदा है मुझे उन सब पे शक है। ठीक है, जल्दी पहुँचो यहाँ पे, यहाँ पे एक आदमी है जो घायल है, और हाँ, यहाँ पे आने के दोनों रास्ते बंद है। अच्छा, क्या पता चला उन लोगों का जिनके नाम दिए थे मैंने?
मोटल ओनर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और बाकी के लोग सिद्धार्थ और सोनिया स्टूडेंट्स है, आदित्य डिजाइनर है, विनय कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, राहुल अच्छा एयरफोर्स का पायलट है और अब डिटेक्टिव एजेंसी, हाँ हाँ अजय एमएनसी में नौकरी करता है, ये सभी साधारण लोग लगते हैं। ठीक है तुम पहुंचो यहाँ पे, तब तक मैं पता करता हूँ कि इनमें से खूनी कौन। ओके ओके या ये सब तो साधारण लोग लग रहे हैं और सबका काम भी ठीक ठाक ही है, तो फिर इनमें से खूनी कौन है? मोटल ओनर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सिद्धार्थ और सोनिया स्टूडेंट है, आदित्य डिजाइनर, राकेश एयरफोर्स पायलट। राकेश सर उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में गया था अपनी दूसरी कॉन्टैक्ट लेंसेस लेने के लिए, बारिश की वजह से ये जो मैंने पहनी हुई उससे सही नहीं दिख रहा था। अगर इस राकेश की नजर कमजोर है तो फिर उसे एयरफोर्स में नौकरी कैसे मिली? राकेश है तो फिर वो कौन है जो अपने आप को राकेश बता रहा है? रिसेप्शन पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। सर इस तरफ कोई भी रास्ता नहीं। सर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है। सर ब्रिज पूरी तरह टूट चुका है, आगे जाना बहुत मुश्किल है। जाना तो पड़ेगा निखिल, इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है और दया का भी पता नहीं चल रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा उस पार जाने के लिए। सन्नाटा, सब कहाँ चले गए? बस ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग कहीं एक ही जगह पे हो। ढूंढते हैं।
होटल ओनर को भी मार दिया। सर यहां पे भी एक लाश मिली है। सर यहां भी दो दो लाशें मिली है। अजय और विनय दोनों को मार दिया सर। सीआईडी से हूँ, बाहर आओ। सीआईडी? आप पूर्वी कुछ बताएं इन लोगों ने? नहीं सर, बहुत घबराई हुई। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? हैं? मालूम नहीं सर, शायद उसने सबको मार दिया है, बस हम दोनों ही बचे हैं। और दया? इंस्पेक्टर दया कहाँ है? पता नहीं सर, काफी देर से वो भी नहीं दिखाई दे रहे। दो लोग और थे, राकेश और सिद्धार्थ, उनके बारे में कुछ पता चला? मेरे सिद्धार्थ को भी उसी ने मार दिया सर। सिद्धार्थ! और राकेश? राकेश को मैंने कुछ देर पहले जंगल की तरफ भागते हुए देखा था सर। जंगल? जंगल चलते हैं। Oh!
कौन है तो? हैं? मैं राकेश सर। सर, ये तो राकेश है। राकेश? ये राकेश नहीं है। राकेश की फोटो मैंने देखी है। मैं राकेश हूँ जनरल सिंह। चुप। सर, मैं राकेश। तूने मारा सबको? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर। ए, तेरे शरीर पे खून कहाँ से आया? दया का है। दया सर अब दुनिया में नहीं रहे सर। मैंने उनको नहीं मारा सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। शिव ने उनको मारा, मैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था सर। ये खून दया सर का सर, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी सर। दया सर किधर है? 125 कहां चल रहे? खूनी राकेश ने। खूनी वो। क्यों मारा तुमने इतने लोगों को? ये सारा प्लान मेरा और मेरे पति राज का था। राज जब जेल में थे, वहां उन्हें एक कैदी ने बताया कि उसने बैंक लूटा था और बैंक का सारा पैसा उसने अपने कजन के मोटेल में छुपा रखा था और ये बात किसी को नहीं पता थी। तो वो लूटा हुआ पैसा ढूंढने तुम लोग यहाँ इस मोटेल में आ गए? हाँ, जेल से छूटते राज ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। हमारा प्लान बस एक गेस्ट को मारना था ताकि सारे लोग डर जाते और यहाँ से भाग जाते। और जब ये मॉडल बंद हो जाता तो वो पैसा ढूंढना तुम्हारे लिए आसान हो जाता। हाँ, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी कि इंस्पेक्टर दया इसी होटल में आ गए और उसे पता चल गया कि खूनी तुम लोगों में से ही कोई है। हाँ, इसलिए जितने भी लोग थे यहाँ इन सबका मरना जरूरी हो गया था क्योंकि इनके अलावा हमें किसी और ने नहीं देखा था। लेकिन अपने पति राज को क्यों मारा तुमने? सर, मैंने राज को इसलिए मारा ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। लोगों को लगेगा कि मर्डर किसी और ने किया है और सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपने पति को ही मार डाला। और तुम वो कौन? और राकेश को क्यों मारा था? सर, मेरा असली नाम आकाश है सर। सर, मैंने मार्केट से बहुत पैसा उठा लिया था लेकिन मैं उस उधार को वापस चुका नहीं पाया सर। मैं मेरे किसी एक लेनदार में से किसी ने राकेश को हायर किया था मुझे ढूंढने के लिए। राकेश उसने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे पुलिस के हवाले करने जा रहा था। हमें मुठभेड़ हुई सर। मेरी इंटेंशन में मेरी नीयत नहीं थी उससे जान से मारने की लेकिन वो मर गया सर। और फिर मैंने उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया सर। रास्ता बंद होने की वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। तुम्हें भी यहीं रुकना पड़ा इस मोटल में, क्यों? जी, मैंने इंस्पेक्टर दया को गाड़ी की डिक्की में लाश को देखते हुए देखा।
जंगल की तरफ बांध दिया। आई डिडंट वांट टू किल राकेश सर। मैंने सोचा कि अब इंस्पेक्टर दया को भी खत्म कर दूं, जो कि मेरे रास्ते के सबसे बड़े प्रॉब्लम थे, और इसलिए मैं जंगल में गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर राकेश, सर वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज बचा लो सर, सर मुझे मार डालेगा सर वो। अरे तुम शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम वापस मोटल जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ मोटल जाओ। मुझे दिनेश, सिद्धार्थ और मोटेल के ओनर को मार डाला। सोनिया को भी मारने वाली थी, लेकिन तब तक आपकी ऑफिसर वहां आ गई थी। फिर मैंने भी डरने का नाटक किया और सोनिया के साथ वही छिपके बैठ गई। पाप के रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी किसी के काम नहीं आता। जिसने उसे लूटा वो जेल में है, और अब तुम्हारी बारी है। पहले जेल और फिर फांसी। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।